ये रिश्ते क्या कहलाता है में अखीर को बेला में चलाने के बाद मंजरी माँ के मन में अक्षरा को लेकर जो चिर बढ़ने लगी है, कह सकते हैं कि बढ़ने लगी है, वो अब अभिमन्यु के भी सामने रखती नजर आने वाली है कि उन्हें अक्षरा का इस तरह से अभीर के सामने बार बार आना, बार बार उनसे मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब ये बात खुद अभिमन्यु मंजरी माँ के मुंह से सुनेंगे तब वो खुद ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मंजरी माँ भी तो एक माँ ही है जो कि अपने अभिमन्यु पर जान छिड़कती है, उनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती है। तो वो अक्षरा से अभीर से दूर रहने के लिए कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है। और अब हम देखने वाले हैं कि जहां पर अक्षरा चाहती है कि वो अभीर के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, तो वो उन्हें उदयपुर से कहीं दूर कुछ टाइम के लिए लेकर जाना चाहती है, पर मंजरी माँ को इससे होगा साफ साफ इनकार। लेकिन अभिमन्यु तो रेडी होंगी क्योंकि अभिमन्यु के साथ अभीर रह रहे हैं, तो उन्हें तो उनका हक मिल गया है। लेकिन अक्षरा की खुशी के लिए, क्योंकि अक्षरा अभीर की माँ है, उसकी खुशी के लिए वो खुद अभीर को अक्षरा के पास ले जाने के लिए तैयार होंगे, उनके फैमिली टाइम देने के लिए तैयार होंगे। पर अब होने वाला है ये रिश्ता क्या कहलाता है में कुछ ऐसा, जहां पर अक्षरा एक्सपेक्ट कर रही होंगी कि अभी जल्द से जल्द उनके पास आ जाए और वो अपना फैमिली टाइम स्पेंड करने उदयपुर से बाहर चले जाए। पर अभी तो उन तक पहुंचेंगे ही नहीं, और यही बात वो अभिमन्यु के सामने इस तरह गुस्से में कहती नजर आने वाली है कि अभिमन्यु भी शॉक्ड होंगे कि आखिरकार अभी गए तो गए का, क्योंकि अभिमन्यु ने अपनी तरफ से उन्हें अक्षरा के पास छोड़कर आने का वादा जो लिया था। तो देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजरी माँ, क्योंकि अभीर को अक्षरा के पास नहीं भेजना चाहती थी इसीलिए उन्होंने अभीर को बीच से कहीं गायब कर लिया। जाने के लिए स्टार्स के शो ये रिश्ते क्या कहलाता है को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बाय एवरीवन।